देखो यार, जिंदगी में अगर कुछ उखाड़ना है ना, वाकई में उखाड़ना है ना सच में, तो एक काम लगातार करना पड़ेगा आपको। कभी किसी के कहने पे बहकावे में मत आओ। कोई किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं, लोगों का टाइम है, कहेंगे। आप 2 साल से लगे हो, 3 साल से लगे हो, 5 साल से लगे हो, लगे रहो। अगर किसी के कहने से आप अपना रास्ता बदलते हो, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप जिस काम में लगे हो, भले आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं घर परिवार से कि कोई बिजनेस कर लो, कुछ काम धंधे में लग जाओ, क्यों घर में बैठे हो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। लेकिन ये आपके दिल को पता है कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मेरा भी रिजल्ट में नाम होगा, और ये सब लोग कहेंगे कि मुझे पता था, मुझे पता था कि ये कर लेगा। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है यार, पॉसिबिलिटी सब कुछ है। आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ये कंफर्म है कि आपका कोई बड़ा एग्जाम लगा है। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम दोगे, उसमें से कोई ना कोई तो निकलेगा ना, पॉसिबिलिटीज तो बनी हुई है ना। ऐसा तो है नहीं कि जीवन का आखिरी एग्जाम आप दे चुके हो और अब आप घर में बैठे हो पागलों की तरह कि नहीं जी मेरा तो सिलेक्शन होगा, और आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। ऐसा तो है नहीं, आप एग्जाम दोगे। तो क्यों नहीं एक बार जबरदस्त तरीके से सबकी बात को भुला कर अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे फोकस किया जाए। मैंने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, मैं फेल के बारे में भी नहीं सोचूंगा, पास के बारे में भी नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा। जो एग्जाम सेंटर के अंदर फीलिंग आती है, जब लास्ट टाइम आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, जो वहां महसूस होता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यार इसमें तुक्का लगाना पड़ रहा है, मुझे उस वाली फीलिंग से लड़ना है, उसको टैकल करना है। उस जंग को जीतने के लिए मैं काम करूंगा अपने घर में, बस मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे मुझे 2 साल और लग जाए, 1 साल और लग जाए, लेकिन मैं करूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला आप अपने काम से ही ले सकते हो, आप किसी बात से या मुंह से बोल कर नहीं ले सकते हो। मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं लिख के देता हूँ, लगभग 100 150 200 वीडियोस जब मैं अपलोड कर चुका हूँगा ना अभी से, तो कुछ लोग जो अभी कमेंट कर रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में मत फंसो, ये दलदल है, ये समय खराब करता है, जब मैं ये 150 200 वीडियोस बना चुका होऊंगा ना इस टॉपिक पे, तो वही लोग आके अपना परसेप्शन नीचे कमेंट में बदल के जाएंगे। जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस करेगा, जिसको नौकरी करनी है उसको नौकरी करना है। कुछ नौकरी की तैयारी करने वालों के दिल में होगा कि काश हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेसमैन में पैसा बहुत है, बिजनेस में पैसा बहुत है। और कुछ बिजनेसमैन भी ऐसे होंगे जिनका खुद का बिजनेस होगा लेकिन सही नहीं चल रहा होगा, टेंशन बहुत होगी, साल के 12 महीने में से एक दिन भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, केवल पैसा पैसा पैसा, और वो भी टेंशन वाला पैसा। वो लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हमारी सरकारी नौकरी लग गई होती। ये नहीं है कि हर इंसान बिजनेस करेगा और हर इंसान सरकारी नौकरी ही लेगा, नहीं, लेकिन कुछ लोग जो बिजनेस में हैं वो ये सोचते हैं कि काश हमारी सरकारी नौकरी लग गई होती। कुछ हैं तो क्यों है, कुछ तो बात है ना। जीवन अच्छा हो जाता है, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। अब आपको अंबानी तो बनना नहीं है ना भाई, अंबानी हर कोई नहीं बनता है। जीवन को अच्छा करने के लिए तो लड़ना चाहिए ना, आपको समाज में एक प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके माँ बाप का नाम होगा, इसलिए आपको सरकारी नौकरी लेना है बस। और वर्तमान समय में सरकारी नौकरी लेना कठिन भी है, आसान भी है, सब कुछ है। ये चीज़ आप मत सोचिए, आप केवल ये सोचिए कि बस आपको आपका लक्ष्य पूरा करना है। यार सबका सपना होता है, आपका भी तो कोई सपना है कि भाई मुझे टिकट चेक करना है ट्रेन में, मेरा ये सपना है, मुझे टीसी बनना है, मेरा ये सपना है भाई मुझे टीसी बनना है, मुझे टिकट काटना है, टिकट काउंटर पे बैठ के टिकट काटना है, मुझे अपने राज्य की सचिवालय में जाके बैठना है, ऑफिसर बन के बैठना है। सबका सपना होता है, लेकिन अपने सपने को किसी के कहने पे मत भूल जाइए। और वो सपना इतना आसान भी नहीं है, जब तक आप लगातार उस काम को नहीं करोगे ना, तब तक वो सपना पूरा भी नहीं होगा। लगातार का मतलब लगातार, वो एक स्टोरी सुनिए ना अपने दशरथ मांझी की, इम्पॉसिबल काम, पहाड़ को अपने हाथों से तोड़ना, आज भी इम्पॉसिबल लगता है लेकिन उस बंदे ने किया। ऐसे ही आपके जीवन में जो आपने सोचा है ना सरकारी नौकरी, ये भी एक पहाड़ है, सबको पहाड़ लगता है, आपके माँ बाप को भी एक टाइम पे आके लगेगा कि नहीं होने वाला है भाई, छोड़ दें, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, आपके चाचा मामा फूफा आपके घर परिवार वाले सब ये कह देंगे कि भाई छोड़ दे, पैसे मत बर्बाद कर, कुछ काम धंधा कर ले, सब कहेंगे। लेकिन तुम्हारी आत्मा के अंदर एक आवाज़ आ रही होगी कि नहीं मुझे तो लेना है। दिल रोता है जब रिजल्ट आता है, जब सिलेक्शन नहीं होता,
मन भी रोता है, हिम्मत भी टूटती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि बस इस साल आएगा, इस साल मैं निकाल लूँगा, इस साल मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, इस साल का सीजीएल में मैं एक सीट में पक्की कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो सपना है यार आपका। भले आप उस चीज़ को छोड़ दो, कुछ भी करने लगो, लेकिन वो आपको जीने नहीं देगा। लाइफ के एंड तक आपका जीवन नरक हो जाएगा अगर आज आप नहीं पढ़ते हो अपने सपने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो ये आपको भोगना पड़ेगा, और आप चाहते हो पढ़ना, लेकिन आप जो ये बनावटी वातावरण है ना, लोगों की बातें हैं, यूट्यूब है, इन सब के चक्करों में फंसे रहते हो। मत फंसो, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, कोई आपको आपकी ज़रूरत के टाइम पे 1 रुपये देने नहीं आएगा। दुनिया अभी भी ताने मार रही है, दुनिया बाद में भी ताने मारती रहेगी। जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी ताने सुनो, जब आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा तब भी ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए किसी की भी बात को कभी भी दिल से मत लगाओ कि इसमें रिजल्ट नहीं होगा, तू इसमें रिजल्ट कैसे निकाल लेगा, तुझे तो ये नहीं आता। मान लो, आप सबकी बात को मान लो, इधर से सुनो और इधर से निकालो, ठीक है? सबकी बात को मान लो, इधर से सुनो, इधर से निकालो, और अपनी बात को ठान लो। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं SSC सीजल में कूद पड़ा हूँ, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे CBI में इंस्पेक्टर बनना है, तो बनना है। ठान लिया ना, अब कूद पड़े हो तो उस पर मेहनत करो। किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश मत करो, किसी बुक को ढूंढने की कोशिश मत करो, जो है वो आपके सामने है। आपके दिमाग को कमज़ोर बनाया जाता है कि आप डरे रहो, दुनिया भर की किताबों के फेर में फंसे रहो, ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है। नहीं, किसी एक टीचर के ऊपर जाके टिक जाओ, कोई एक बुक उठा लाओ जिससे जिसका रेफरेंस ज़्यादा लोग देते हैं, बस उसी पे मेहनत करो, बार बार मेहनत करो। कब तक नहीं आएगा यार? कब तक आपको मैथ नहीं आएगी? कब तक आपको रीजनिंग नहीं आएगा? कब तक आपको साइंस नहीं आएगी? कब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी? जब लगातार बार 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 करते रहोगे तो आएगा, आपका सपना पूरा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा करते हो, फिर अपनी राह भटक जाते हो, फिर अपना ड्रीम चेंज कर देते हो, फिर कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है कोई नई वैकेंसी का, उसमें चेंज हो जाते हो, फिर किसी की बात सुन लेते हो, यार इसमें तो लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर का पेपर में हवा ही नहीं लगा था। किसी की बात सही नहीं होती है, कोई भी बात सही नहीं होती है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो वो बिल्कुल सत्य नहीं है। हर इंसान कहीं सुनी बातें ही पेलता है, चाहे वो सिलेक्शन लेने के बाद ही क्यों ना हो। सिलेक्शन लेने के बाद भी इंसान सही नहीं बोलता है, वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे लोगों का मनोबल टूटता ही टूटता है। कोई सही रास्ता नहीं बताता, कोई सिंपल एक लाइन में नहीं बताता कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से हुआ है। और कोई जादुई चीज़ भी नहीं है कि किसी का सिलेक्शन इस वजह से होता है। सिर्फ एक लाइन है, अभ्यास, लगातार। आपको पता है 4 से 5 विषय होते हैं आपके एग्जाम में, हर विषय में आपको अभ्यास करना है। एक लूसेंट की बुक आती है, उसको एक एक पेज करके पढ़ो, दो दो पेज करके पढ़ो, पांच पांच पेज करके पढ़ो, दस दस पेज करके पढ़ो। एक बार खत्म करो, दो बार खत्म करो, तीन बार खत्म करो, चार बार खत्म करो, पांच बार खत्म करो, 6 बार खत्म करो, 10 बार खत्म करो, उसके बाद भी क्या आपको GS नहीं आएगी? एक मैथ की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें SSC के बहुत सारे मैथ के सवाल होते हैं। मेहनत लगती है, एक बार खत्म करो, एक दिन में 50 क्वेश्चन बनाओ, 25 क्वेश्चन बनाओ, 100 क्वेश्चन बनाओ एक दिन में, लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, धीरे 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 खा जाओ उस किताब को, धीरे धीरे करके उस किताब को एक बार किसी तरीके से बनाओ, फिर दूसरी बार कोशिश करके बनाओ, फिर तीसरी बार कोशिश करके बनाओ। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आप कोशिश करो बार बार बनाने की, खा जाओगे आप उस किताब को। कब तक नहीं आएगा वो? रीजनिंग की भी ऐसे ही, इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही करो। थ्योरी खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, ये हुआ तो ये हुआ, ये होता ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन आंसर देख लो, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो देख लो कि ये क्वेश्चन आया था, ये हुआ, बार बार करो। आप चाहते हो कि थोड़े से टाइम में मुझे सब कुछ आने लगे, नहीं आएगा भाई, आपको खुद से आपका टीचर बनना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम देकर आप क्या चाहते हो? आपका पूरा जीवन, आप थोड़ा सा किसी चीज में टाइम दे दो और आपका पूरा जीवन संवर जाए। आपको पूरे जीवन के लिए एक सरकारी नौकरी मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या आप अपना इतना सा भी नहीं दे सकते हो? आप अपनी मेहनत का वो पसीना नहीं बहा सकते हो? आप क्या चाहते हो कि यूट्यूब पे कोई बढ़िया सा टीचर मिल जाए, कोई अच्छी सी किताब मिल जाए, 3 महीने के अंदर मेरा सब कुछ हो जाए और मेरी मेरा सिलेक्शन भी हो जाए? ये चाहते हो? ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और इसी बीच में आपको बहुत सारे कबूतर भी मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे, वो बताएंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज की वीडियोस आ जाएंगी। आप इसी में फंसे रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, लेकिन सिलेक्शन सिलेक्शन से लाखों कोस दूर रहोगे। जब आपका समय खत्म होने लगेगा ना,
जब आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बिता दोगे इस फील्ड में, तब आपको असली समझ में आएगा कि साला हम किस चीज़ में फंसे थे। हम इस टीचर के ऊपर फोकस कर रहे थे, हम इस टीचर के ऊपर फोकस कर रहे थे, या फिर हम खुद के ही टीचर थे यार। हमें केवल एक बार किसी टीचर से पढ़ लेना है, यूट्यूब पे पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना है, बस उसके बाद बंद क्लोज। अगर बार बार हम उस टीचर को देखेंगे तो हम उसके आदि बनेंगे, हम उसके बिना नहीं पढ़ पाएंगे। और पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है, क्वेश्चन बनने चाहिए। और वो क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे घर में बैठ के। एक एक क्वेश्चन को, एक एक बुक को 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 बार बनाओगे ना, तब जाके आप रियल एग्ज़ाम में, वो जो 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तब जाके आप वहाँ पे OMR शीट भर पाओगे, कंप्यूटर में सही ऑप्शन क्लिक कर पाओगे, या फिर लिख पाओगे। वो खुद से जब करोगे तब होगा। और ये चीज़ कौन सिखाने आएगा आपको? कोई नहीं सिखाने आएगा। YouTube पे हज़ारों वीडियोस आएंगी, लाखों वीडियोस आएंगी, रोज़ वीडियोस आएंगी स्ट्रैटेजी की। मैं आपको आज स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, आप SSC में मैथ ये करो, रेलवे के लिए अगर आप कर रहे हो तो इतना मैथ बनाना पड़ेगा, इतना इतना कर लो, उतना उतना कर लो। ये सुनने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। कोई आपको बेहतरीन तरीके से लिख के समझाएगा कि 25 मैथ आता है, 25 रीजनिंग आती है, 30 GS आता है, 25 मैथ इस चैप्टर से आता है, आप इस चैप्टर को थोड़ा हल्के में लो, इस चैप्टर को ऐसे लो, उस चैप्टर को वैसे लो, इसके 20-20 क्वेश्चन बना डालो, उसके वो कर डालो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सुनने में मज़ा आता है, लेकिन जब आप रियल में करने जाओगे ना, ये सारी स्ट्रेटजीज काम नहीं आती है। कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। आप जब एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी हो जाएगी जो सुनने में मज़ा देगी, लेकिन उसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप कभी किसी को नहीं बताओगे कि मैंने 50 बार इस बुक को बनाया। आप नहीं बताना चाहोगे कि आपने इतनी मेहनत करी है। आप केवल उसका मक्खन चीज बताओगे, जिसको सुनने में भी मज़ा है, करने में भी मज़ा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, कन्फर्म है। और कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता। अगर किसी स्टेट की PCS को निकालना है तो आप सोचिए आपको क्या करना होगा। आपको लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन घोट के पीने होंगे। लास्ट ईयर का एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक आपके दिमाग के अंदर से नहीं बाहर होना चाहिए, तब जाके आप उसके 50-60% तक पहुँचोगे। फिर करंट अफेयर पे, हर महीने के करंट अफेयर को आपको अच्छे से पीना पड़ेगा, अच्छे से मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका किसी भी स्टेट के PCS में सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप अभी डालोगे ना स्ट्रेटजी के तौर पे, आपको ये किताब, वो किताब, वो किताब, वो किताब, वो किताब, वो किताब, दुनिया भर की किताब बता दी जाएगी, और आपको फीलिंग भी आएगी हाँ इतना सारा ले आऊँगा, मेरा इसी में से हो जाएगा। कैसे कैसे? जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को बनाओगे ना, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है। अब ज़्यादा कहाँ मिलेगा? ज़्यादा मुझे किसी स्पेसिफिक बुक में मिलेगा, वो बुक उठा के ले आता हूँ। आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से आपको बुक की नीड समझ में आएगी। किसी के बताने की वजह से आप बुक लेके आके पढ़ोगे नहीं होगा, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, सब में मैथ रीजनिंग कॉमन होती है, कुछ में इंग्लिश होता है, कुछ में इंग्लिश नहीं होता, उसके बाद साइंस होता है, GS होता है, ST पॉलिटी, यही सब होता है। कोई क्या कुछ अलग है? कोई क्या रॉकेट साइंस है? नहीं है। सिंपल सी किताबें हैं यार, सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, सिंपल सी चीज़ है। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा यार? किसी के बहकावे में मत आओ, खुद से कोशिश करो। YouTube पे सारी क्लास अवेलेबल हैं, लिख के डालो। और किसी भी बेहतरीन टीचर को ढूंढने की कोशिश मत करो कि अगर आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो फिर लग गए, फिर इनका भी देख रहे हो, उनका भी देख रहे हो, उनका भी देख रहे हो, सबका देखोगे कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। आप अपने ऊपर विश्वास करो बस, कि आपको सीखना है। और एक बार में बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला टीचर आपको अगर पढ़ा रहा है, तो उसके बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते। आपको केवल आपकी बातें, आपकी मेहनत, आप जो लिखोगे ना अपनी कॉपी पे, लिख लिख के भरोगे, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप हर वीक 2 किलो 4 किलो कॉपियों को लिख लिख के भरोगे ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और कुछ नहीं दिलाएगा, समझे? कोशिश करो कि हफ्ते में एक पेन ख़त्म हो जाए आपका, 2 से 3 कॉपियां ख़त्म हो जाए आपकी, समझे? ऐसे YouTube पे देख लेने से, वीडियो क्लासेस खरीद लेने से, कोर्स खरीद लेने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है पसीना बहाने से, अपने दिमाग को चलाने से, सोच कर लिखने से, सोच कर सवाल बनाने से ज़्यादा रीडिंग करने से, रीड करके फिर उसको लिखने से, ऐसे होता है सिलेक्शन, समझे? और उन सबको आपको जवाब देना है जो ये कहते हैं ना, बिजनेस कर लो, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, सबको जवाब देना है। ये आपको पता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो।
लोगों की बातों को दिल पे मत लो, अपने काम पे लगे रहो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबको जवाब मिल जाएगा, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अपने काम में लगे रहो बस, जब अगर काम में लगे रहोगे ना तो सफलता ज़रूर मिलेगी भाई, मेरा विश्वास करो, मैं कह रहा हूँ। एक बार फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, तीन बार फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं, चौथी बार में सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। अगर ठान लोगे ना कि ये जो बचा हुआ साल है इसमें जितने एग्ज़ाम लगे हैं सबको मैं दिल से सच्चे मन से सबकी तैयारी करूंगा, और सबको एकदम आखिरी एग्ज़ाम समझ के दूंगा कि बस मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, तो पक्का होगा। सपने पूरे होते हैं, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, समझे। जय हिंद।